सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय न्यू वीडियो। तो गाइस, अभी मैं हूँ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे रामबन करोल में, और आज की वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि रामबन से चंद्रकोट या फिर रामबन से धूमपुर वाले एरिया में फोर वे कंस्ट्रक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है और क्या न्यू बदलाव आए हैं फोर वे बनने के बाद। मेरे बैक साइड आप देख पा रहे होंगे, अभी यहाँ पे आप सबको बताने वाला हूँ जायसवाल ब्रिज फर्स्ट और सेकंड दोनों लेंस इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके और क्या विजुअल्स रहने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, जल्दी से जाओ एक सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। तो गाइस, अभी मैं हूं कुछ इस तरह के लोकेशन पे, मेरे सामने की ओर आप देख पा रहे होंगे, ये है जायसवाल ब्रिज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लेंस कंप्लीट हो चुके हैं रिसेंटली। आज से कुछ ही मंथ पहले जो सेकंड लेन का वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है और साथ में जो फर्स्ट लेन थी उसे भी मेंटेन कर दिया गया है। और यहाँ से आप भी देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा फोर वे बन के तैयार हो चुका है। काफ़ी लोग जो इस रोड पे ट्रैवल करते थे जम्मू से श्रीनगर या फिर श्रीनगर से जम्मू की ओर, तो उन्हें ये पता नहीं था कि हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क कहाँ तक पहुँचा है। तो आप सबके लिए मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सारा का सारा रोड आगे की ओर फोर वे बनके तैयार हो चुका है चंद्रकोट तक। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे हल्का फुल्का यहाँ से भी लैंडस्लाइड होता रहता है, आप सब ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो यहाँ से आगे आप सबको बता दूँ कि इस एरिया में यहाँ पर जो काले पानी वाली साइड का जो ब्रिज था वो भी कम्प्लीट हो चुका है। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ बिहार में और आप सबको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब कभी भी आप रामबन से अधूमपुर की ओर जाते हो तो ये जितना आप एरिया देख पा रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतना सा एरिया ख़राब है, यहीं पे लैंडस्लाइडिंग एरिया, बाकी पूरा का पूरा हमारा फोर वे कम्प्लीट है। गाइस, इस ओर से अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके और लास्ट पॉइंट तक, ये सिर्फ इतना सा एरिया ख़राब है और बाकी हम यहाँ से बात करें यहाँ से लेके दोनों लेंस लास्ट तक कंप्लीट हो चुकी हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस, बढ़ता हूँ मैं यहाँ से आगे और यहाँ से आगे आप सबको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग का एंड हम रामबन में करने वाले हैं। इसी के बीच आता है रामबन कैफेटेरिया टनल का P1 पोर्टल, कंपनी ने इसका वर्क रोक दिया है और रोकने का रीज़न यही रहने वाला है कि आप सबको पता होगा कि जो इसका P2 पोर्टल था स्टार्टिंग से ही डैमेज हो गया था, लेकिन ये भी डैमेज हो गया है कुछ ही मीटर अंदर। एक ही ये टनल था जो काफ़ी पेंडिंग था, इसी की वजह से हमारा फोर वे रुका हुआ था जो कि यहाँ पे आगे देख पा रहे होंगे नेशनल हाईवे आगे से चल रहा है और यहाँ पर जो इसका वर्क था वो पेंडिंग था। आप सबको बता दूँ कि बाहर से कटिंग कवर टनल से रहने वाले हैं और अंदर से टनल रहने वाला था, ये टनल यहाँ पर डैमेज हो चुका है लेकिन जो कटिंग कवर टनल्स हैं वो कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो गाइस, आप सबको बता दूं कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है और इस लैंडस्लाइड से बचने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लगाई गई है, बाहर से कटिंग कवर टनल्स बनाए गए हैं, यानी कि जब भी आप जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाले हो तो इन कटिंग कवर टनल्स के हेल्प से आप दूसरी ओर जाने वाले हो। अगर आप श्रीनगर से जम्मू की ओर जाने वाले हो तो इससे पीछे P2 से P1 पोर्टल के बीच रामबन कैफेटेरिया टनल के हेल्प से आप दूसरी ओर जाने वाले हो। यह है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड एरिया, काफ़ी सालों से यहाँ पे लैंडस्लाइड चलते जा रहा है और साथ में यहाँ का चुनाव व्यू। तो यहाँ पे जो कटिंग कवर टनल्स हैं आप सबको देखने को मिल रहे होंगे, कटिंग कवर टनल्स का वर्क कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है
तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।